रस से भरा हुआ मावा गुजिया किसे नहीं पसंद है। और ये वाली गुजिया जो है ना, बिल्कुल रसीली, क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगता है खाने में। और इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं हम रस से भरा हुआ बहुत ही डिलीशियस गुजिया बनाना। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल किचन टू किचन में। रेसिपी पसंद आएगी तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। हमने यहाँ पर ले लिया है गुजिया बनाने के लिए 1 कप मैदा। मैदे में डाल देंगे घी, बिल्कुल देसी वाला घी 1 छोटा चम्मच, और इसे अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स। तो हमने यहाँ पे देख सकते हैं मिक्स कर लिया है मैदा और घी को। अब थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है, बस हल्का सा, और बढ़िया तरीके से डो बनाकर हम रेडी कर लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा डालिएगा, अगर बहुत ज़्यादा एक ही बार पानी डालेंगे तो ये जो डो है वो हल्का सा गीला हो जाएगा। तो बस इस तरीके से डो लगा लेना है और 5 मिनट के लिए इसे हम रख देंगे साइड में। और तब तक हम स्टफिंग बनाकर रेडी करेंगे। सेम कढ़ाई में मैंने खोआ बनाया हुआ था, तो उसी कढ़ाई में मैं इसका मिश्रण मतलब कि स्टफिंग बना रही हूँ। तो 2 चम्मच घी डाल दिया है, थोड़ा सा ग्रेटेड मैंने नारियल डाल दिया है, और अब इसमें हम चॉप किए हुए बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल देंगे, काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश। जो आप ड्राई फ्रूट खाना पसंद करते हैं वो ड्राई फ्रूट आप इसमें डाल सकते हैं। तो सारे ड्राई फ्रूट कटे हुए डाल दिए हमने, और इसे लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए बढ़िया तरीके से भुनने देंगे। गैस का फ्लेम स्लो रखना है, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट होता है ना बहुत जल्दी भुन जाता है। और यहाँ पे मैं चीनी डाल दूंगी, लगभग 1 कप के करीबन मैंने यहाँ पे चीनी डाल दिया, जिससे चाय पीते हैं ना वो वाले कप से मेजरमेंट किया था। और खोआ डाल दिया है इसके अंदर अच्छे तरीके से, 1.5 से 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे, ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, खोआ ड्राई फ्रूट अच्छे तरीके से हमारा भून जाए। तो देखिए यहाँ पे स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब मैं इसमें 2 हरी इलायची बारीक कूट के डाल दूंगी, और इन सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं। और ये हमारी जो गुजिया की अंदर वाली स्टफिंग है बनकर रेडी हो गई है। थोड़ा सा इसे हम ठंडा होने देते हैं, गैस को कर देते हैं बंद। और यहाँ पर हमारा जो आटा है वो भी अच्छे तरीके से सेट हो गया है, रेस्ट कर लिया है। तो अब छोटे छोटे हम बॉल बना लेंगे और छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लेते हैं। तो इस तरीके से छोटा सा डो लिया, जिससे हम पूड़ी के आकार का बेल लेंगे, लेकिन एक मतलब पतला बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा मत रखिएगा। इस तरीके से आपको इसको बेल कर रेडी करना है। 1 चम्मच हम स्टफिंग लेंगे, जो हम मिश्रण बनाकर रेडी किए हैं खोआ और ड्राई फ्रूट का, और बाजू से हम पानी लगा देंगे। चारों तरफ से अच्छे से पानी लगा लेना है, ताकि हम इसे अच्छे तरीके से सील कर पाए। तेल के अंदर जाने के बाद ये बिल्कुल ब्रेक ना हो, फूटे ना, इसलिए पानी लगाना जरूरी है। अब फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम बनाने वाले हैं ब्यूटीफुल सा डिजाइन, वो भी हाथों की मदद से बिना किसी साँचे का। तो देखिए एकदम आसान है, आपको एक उंगली जो है ऊपर की ओर रखना है और फिर फोल्ड फोल्ड करते जाना है। इस तरीके से बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल सा डिजाइन जो है बनकर रेडी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है ना ये डिजाइन दिखने में ही। एंड तक आपको इसी तरीके से कर लेना है। तो ये हमने पहला वाला जो गुजिया है डिजाइन इसे दे करके यानी कि पैक करके रेडी कर लिया है, फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी है। एक और मैं गुजिया इसी तरीके से आपको फटाफट से बनाकर दिखाती हूँ। तो फिर से हम पूड़ी के आकार का बेल लेंगे इसे, और अब इसके अंदर हम डाल देंगे स्टफिंग को। उसके पहले मैं पानी चारों तरफ लगा दे रही हूँ, और ये रही हमारी स्टफिंग। और फिर से हम फोल्ड कर लेंगे, और फिर इसे हाथों की मदद से अच्छे से चिपका देंगे। और अब इसे उसी तरीके से टेढ़े 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 डिजाइन दे देंगे हम। बहुत आसान है, मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ। बस आपको अंगूठा लगाना है और फिर फोल्ड करना, अंगूठा लगाना है फिर फोल्ड करना है, बस इसी प्रोसेस को आपको एंड तक कर देना है। तो यहाँ पर हमने दूसरा वाला, तीसरा, चौथा सारी गुजिया इसी तरीके से बनाकर रेडी कर ली है। तो चलिए फ्राई कर लेते हैं। तो ये वाली जो कढ़ाई है ना, इसमें मैंने पहले से ही बाकी गुजिया फ्राई करके रेडी कर लिया था। तो ये लास्ट बैच वाली गुजिया जो है बच गई थी, तो मैं इसे शूट कर रही हूँ। यहाँ पर गुजिया को हम डाल देंगे कढ़ाई के अंदर यानी कि तेल के अंदर। गैस का फ्लेम मध्यम रखना है, मध्यम आंच पे इसे अलटते पलटते हुए हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ऊपर का जो परत है क्रिस्पी नज़र आ रहा है। तो बस इसी तरीके से अलटते पलटते हुए हम गुजिया को बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर लेंगे।
तो यहाँ पर हमने गुड़िया को जो है फ्राई करके रेडी कर लिया है, निकाल लिया है। निकालते समय का जो वीडियो है वो शूट नहीं हो पाया तो सॉरी, बट इसी तरीके से आपको फ्राई करना है, इस तरीके का कलर आने तक आपको वेट करना है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें डालने वाली हूँ रस, जैसे गुलाब जामुन का रस बनाते हैं ना हम, एक कप चीनी और एक कप पानी डाल के अच्छे से मेल्ट होने तक वेट करना है आपको, उसके बाद गैस को बंद कर देना है, तो बस आपकी चाशनी बन के रेडी हो जाएगी। तो ये हमारी चाशनी है और इसे हम डाल देंगे इस गुजिया के ऊपर, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। गर्मा गर्म गुजिया को आपको रस के अंदर डालना है, चाशनी के अंदर, ठंडा होने के बाद नहीं। और उसके बाद आप इसे प्लेट में निकाल लीजिए। तो इस होली पे आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। जितना भी इसका तारीफ करूँ ना कम है, रसीला और इतना ज़बरदस्त का स्वाद लगता है ना कि आप इसके दीवाने हो जाएंगे। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।